तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन लोग करने वाले हैं रियलमी 8 स्मार्टफोन का गेमिंग टेस्ट। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन लोग इस फोन में पबजी मोबाइल लाइट और फ्री फायर खेल कर देखेंगे। देखेंगे दोस्तों इन दोनों गेम्स के अंदर इस फोन में अपन को क्या क्या ग्राफिक्स की सेटिंग देखने के लिए मिल रही है, और उन सेटिंग्स के ऊपर इस फोन में अपन को कैसी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है, कोई लैग वगैरह देखने के लिए मिलता है या नहीं मिलता हैगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश और आप देख रहे हैं टेक यू एम। और दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा। दोस्तों, इस चैनल पर मैं इस तरह से मोबाइल फोन से जुड़ी हुई गेमिंग टेस्ट की वीडियो, कैमरा टेस्ट की वीडियो और स्पीड टेस्ट की वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट इस तरह की वीडियोज़ में है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जुड़ दो दें, जिससे आपको इस तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, अपनी वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हम इस फोन की कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस फोन के अंदर हमको मीडिया टेक का हीलियो G95 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो कि थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर है और 4G प्रोसेसर है। और इस फोन के अंदर हमको 8 GB रैम देखने के लिए मिलती है, 128 GB स्टोरेज देखने के लिए मिलती है, 6.5 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जो कि आती है 16 Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में। तो चलिए अपने गेमिंग टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट करते हैं अपने फ्री फायर के साथ में। तो दोस्तों, ऐसा कि आप लोग देख सकते हैं अपना फ्री फायर स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको इसकी सेटिंग्स चेक करा देता हूँ, इसके अंदर अपन को क्या क्या सेटिंग्स देखने के लिए मिल रही ग्राफिक्स की। तो दोस्तों, ऐसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस गेम की सारी ही सेटिंग्स को मैंने मैक्सिमम पे सेट कर दिया है, ग्राफिक्स को अल्ट्रा पे सेट कर दिया है, FPS को हाई पर सेट कर दिया है, और शेडो वगैरह रहती है उन सबको ऑन और हाई पर कर दिया है। तो चलिए अपने गेम को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, गेम के बीच में अपन लोग थोड़ा ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डर का भी यूज़ कर देखेंगे कि स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज़ करने से परफॉर्मेंस में कितना फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसा कि आप लोग देख सकते हैं, अपना मैच स्टार्ट हो चुका है और अभी तो जो अपना गेम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रहा है, कोई भी मुझे ऐसा लैग वगैरह देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और भाई, जो ग्राफिक की क्वालिटी है ना, वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है। कि मतलब दोस्तों, एमोलेड डिस्प्ले होने का यही फ़ायदा होता है कि आपको जो ग्राफिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिखाई देते हैं। और मैं आपको अगर अभी इसके FPS चेक कराऊँ कि इसके अंदर कितने FPS मिल रहे हैं, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी इस फ़ोन के अंदर अपन को लगभग 6157 FPS के आसपास FPS देखने के लिए मिल रहा है। तो आप लोग बोल सकते हैं काइंड ऑफ 60 FPS अपन को इसमें देखने के लिए मिल जा रहा है बिना किसी दिक्कत के। मज़ा आया। और दोस्तों, अभी तो अपना गेम काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रहा है, मतलब कि मुझे कोई भी ऐसे फ्रेम ड्रॉप भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है इसके अंदर ज़्यादा, बिल्कुल मक्खन की तरह चल रहा है दोस्तों अभी तो अपना गेम। अब बाकी स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ में देखना है कि स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ में अपन को कैसे क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी इसमें। बाकी दोस्तों, मैं आपको अगर अभी इसके FPS चेक कराऊँ गेम के अंदर कितने आ रहे हैं, मतलब मैच के अंदर, तो आप अभी भी देख सकते हैं लगभग 55 FPS से 60 FPS के बीच में इसमें अपन को FPS देखने के लिए मिल रहा है। तो FPS तो मुझे लग रहा है थोड़े ऐसे कम देखने के लिए मिल रहे हैं अपने को अभी, और लेकिन गेम अपना काफ़ी मतलब स्मूथ चल रहा है, कोई लैग वगैरह मुझे इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बस अब मुझे थोड़े थोड़े ऐसे इसके अंदर फ्रेम ड्रॉप्स देखने के लिए मिलने लगे हैं, क्योंकि तब अपन ने बिल्कुल स्टार्ट ही किया था ना, तो इस वजह से अपना गेम स्मूथ चल रहा था। अब अपना फ़ोन भी थोड़ा से गर्म होने लगा है और थोड़े थोड़े से फ्रेम ड्रॉप्स भी देखने के लिए मिलने लगे हैं, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल माइनर से।
और दोस्तों अब इस फोन के अंदर अपन लोग थोड़ा ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डर का भी यूज़ कर देख लेते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ में इसमें अपन को कैसी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है। गेम तो खैर अपना अभी भी थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा लैग करने लगा है, पर अपन लोग अब स्क्रीन रिकॉर्डर को और ऑन कर देते हैं। तो दोस्तों अब मैंने इस फ़ोन के स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन कर दिया है और कुछ खास ज़्यादा मुझे ऐसा फ़र्क देखने के लिए नहीं मिल रहेगा, मतलब अपना गेम उतना ज़्यादा लैग नहीं कर रहेगा अभी। और अपन लोग अभी इसके FPS चेक करें स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ में, तो हाँ FPS जरूर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एकदम से काफ़ी ड्रॉप हो गए थे FPS। तो दोस्तों आप इसके थोड़े स्क्रीन रिकॉर्डिंग के गेम को लेके भी मज़े लीजिए। दोस्तों कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है कि हमको इस फ़ोन के अंदर फ्री फायर में, जो दोस्तों मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगी है कि मतलब कि अपने फ़ोन ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर दिया है। कहीं पर भी मुझे इस फ़ोन के अंदर ज़्यादा लैग देखने के लिए नहीं मिला। थोड़े बहुत दोस्तों मुझे इसके अंदर फ्रेम ड्रॉप्स देखने के लिए मिले थे, जब अपन 5-10 मिनट हो गए थे गेमिंग करते हुए, अपना फ़ोन थोड़ा हीट होने लगा था, तो उसके बाद में मुझे थोड़े बहुत इसके अंदर फ्रेम ड्रॉप्स देखने के लिए मिले थे। हाँ लेकिन दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्ड करने के साथ में मुझे इसके अंदर थोड़ा बहुत लैग भी देखने के लिए मिला था। अगर आप लोग इसे स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर रहे हैं इसके साथ में, तो आपको थोड़ा बहुत लैग देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन बिना स्क्रीन रिकॉर्डर के मुझे इसमें कोई भी ऐसा लैग देखने के लिए नहीं मिला था। बिना स्क्रीन रिकॉर्डर के अपना फोन काफी बढ़िया चल रहा था, और स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करने के बाद में अपने जो थोड़े FPS रहते हैं वो भी काफी ज्यादा कम हो गए थे। और दोस्तों अपना फोन काफी ज्यादा ऐसे हीट भी कर रहेगा, लगभग 40 से 45 डिग्री के आसपास इसका टेम्परेचर चला गया होगा अभी। तो चलिए दोस्तों अपन लोग अपने पबजी मोबाइल लाइट को और खेल कर देख लेते हैं। इस गेम के अंदर तो अपने फोन ने काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर दिया है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों ऐसा कि आप लोग देख सकते हैं अपना पबजी मोबाइल लाइट भी स्टार्ट हो चुका है, तो मैं सबसे पहले आप लोग को इसकी ग्राफिक्स की सेटिंग चेक करवा देता हूँगा। तो दोस्तों ऐसा कि आप लोग देख सकते हैं इस फोन के अंदर अपन को स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की सेटिंग देखने के लिए मिल रही है, बैलेंस्ड प्लस एक्सट्रीम की सेटिंग देखने के लिए मिल रही है, HD प्लस एक्सट्रीम की भी सेटिंग देखने के लिए मिल रही है, और दोस्तों HDR अभी हमको इस फोन के अंदर अवेलेबल देखने के लिए नहीं मिल रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपन लोग सिर्फ इसमें HD प्लस एक्सट्रीम सेटिंग्स के ऊपर खेल कर देखेंगे, देखेंगे इस सेटिंग के ऊपर इस फोन में अपन को कैसी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है, कोई लैग मैग देखने के लिए मिलता है या नहीं मिलता है। और दोस्तों गेम के बीच में अपन लोग थोड़ा ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डर को भी यूज़ कर देख लेंगे कि उससे इसकी परफॉर्मेंस में अपन को कितना फ़र्क देखने के लिए मिलता है स्क्रीन रिकॉर्ड करने से। तो दोस्तों ऐसा कि आप लोग देख सकते हैं अपना गेम स्टार्ट हो चुका है, और अभी तो जो गेम आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रहा है अपना गेम अभी तो, और ग्राफिक की क्वालिटी भी आप लोग देख ही सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। थोड़ा सा मुझे अभी यहाँ पर एक फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए मिला था, बाकी जो गेम है मुझे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रहा है अभी तो। और बाकी मैं अगर आप लोग उसके FPS चेक कराऊँ अभी, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर अपन को 57-60 FPS देखने के लिए मिल रहेंगे, 58 मतलब कि दोस्तों मतलब काफ़ी बढ़िया लग रहा है अभी तक तो मुझे इसकी परफॉर्मेंस। दोस्तों अभी तो अपना जो गेम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रहा है अभी तो, मुझे इसके अंदर कोई भी ऐसा लैग वगैरह देखने के लिए नहीं मिल रहा, बस थोड़े बहुत इसके अंदर मुझे फ्रेम ड्रॉप्स देखने के लिए मिले थे कहीं कहीं पर, वरना जो गेम है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रहा है। और मैं आपको अभी इसके FPS चेक कराऊँ, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी इसके अंदर अपन को कंसिस्टेंटली
57 से 60 FPS के बीच में FPS देखने के लिए मिल रहा है, 61 तक पहुंच रहा है अपना जो FPS है वो। तो मतलब गेम तो काफ़ी ज़्यादा सही चल रहा है दोस्तों मेरे हिसाब से इसके अंदर। तो दोस्तों अपन लोग अब इसके अंदर थोड़े स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज़ कर कर और देख लेते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करने के बाद में इसमें अपन को कोई ऐसा लैग वगैरह देखने के लिए मिलता है या नहीं मिलता है। तो मैं जल्दी से अपने स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन करता हूँ और फिर देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस में अपन को कोई फ़र्क देखने के लिए मिलता है या नहीं। तो दोस्तों मैंने इस फ़ोन के स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन कर दिया है और आप अपना थोड़े मतलब गेम के अंदर जैसा कि आप लोग खुद देख पा रहे होंगे थोड़ा सा मुझे लगने लगा है कि हाँ अब अपना गेम थोड़ा सा ऐसे लैग सा हो रहा है मतलब एक टाइप से। मैं अभी आपको इसके FPS भी चेक करवा देता हूँ कि FPS में इसमें अपन को कितना फ़र्क देखने के लिए मिला है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं FPS भी अपने काफ़ी ऐसे कम हो गए थे एकदम से, अब अपने को लगभग 53 54 52 FPS देखने के लिए मिलना है। तो हाँ यार स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करने से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है परफॉर्मेंस में, अब उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं चल रहा है अपना गेम। बाकी आप लोग अपने थोड़े स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ में भी इस गेम प्ले को एंजॉय कीजिए। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है हमको पबजी मोबाइल लाइट में रियलमी 8 की, जो कि दोस्तों मुझे तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी है। मतलब कि दोस्तों जब तक मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन नहीं किया था तब तक तो अपना गेम बिल्कुल मक्खन की तरह चल रहा था, बस थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप थे। उसके अलावा मुझे इस फोन के अंदर कहीं पर कोई भी लैग देखने के लिए नहीं मिला था, बिल्कुल 60 FPS अपन को उसके अंदर देखने के लिए मिल रहे थे बिना किसी दिक्कत के। लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करने के बाद में अपने जो 60 FPS हैं वो लगभग 52 से 53 के आसपास आ गए थे और अपना फोन मतलब जो गेम है वो थोड़ा थोड़ा लैग करने लगा था। लेकिन हाँ मतलब कि मुझे बिना स्क्रीन रिकॉर्डर के इस फ़ोन की जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी है। और दोस्तों अब बात करें कि मेरा क्या ओपिनियन है इस फ़ोन के बारे में, इस फ़ोन को ऐसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए गेमिंग करने के लिए। दोस्तों मैं तो बस आप लोगों को इतना ही सजेस्ट करूँगा कि दोस्तों अगर आप लोगों को ज़्यादा हैवी गेमिंग नहीं करनी है, मतलब कि आपको फ़ोन चाहिए नॉर्मल यूजेज के लिए जिसके अंदर आपको मतलब ओवरऑल एक अच्छा फ़ोन देखने के लिए मिल जाए और जिसके अंदर आप लोग थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर सकें, तो आप लोग ये वाला फ़ोन बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ओवरऑल इस फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी है। लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए गेमिंग फ़ोन, मतलब कि जैसे आप लोगों को बिल्कुल ऐसे पबजी के मोंटाज वीडियो बनानी है, आपको बहुत तगड़ी वाली गेमिंग करनी है, तो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग ये वाला फ़ोन लें। इसकी जगह पे आप लोग थोड़ा सा बजट बढ़ा के या तो IQ का Z3 ले लें या फिर पोको का X3 प्रो ले लें, क्योंकि दोस्तों ये वाला फ़ोन उतनी ज़्यादा हैवी गेमिंग को मतलब कि हैंडल नहीं कर पाता है। जैसा कि आप लोग दोस्तों मेरी पबजी टेस्ट वाली वीडियो में यहाँ पर देख सकते हैं,
पबजी के अंदर ये वाला फ़ोन काफ़ी ज़्यादा ऐसे लैग करता है स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ में। तो अगर आप लोग को ओवरऑल एक अच्छा फ़ोन चाहिए 15,000 रुपये के बजट में, तो आप लोग बिल्कुल इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं, आप ज़्यादा गेमिंग वगैरह नहीं करते हैं तो। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा गेमिंग ही करना है बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इन दोनों फ़ोन में से किसी एक फ़ोन को चूज़ कर सकते हैं। बाकी इस फ़ोन की गेमिंग परफॉर्मेंस भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी है पैसों को देखते हुए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।